सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत अभी आप अमोलक वचन श्रवण कर रहे थे, जो गीत कविता व्याख्यान के रूप में यथार्थ वचनों का सहारा लेते हुए जो भाव प्रकट किए गए हैं, वाक्य ही वो एक कल्याणकारी हैं, जिसके कारण हमारे जीवन को एक ठहराव मिलता है, जिसके कारण हमारे जीवन में सहजता आती है, जिसके कारण हमारे अकीदे और विश्वास परिपक्व होते हैं, जिसके कारण हम इस प्रीत को निभाने के लिए अग्रसर रहते हैं। ऐसे एक अमोलक वचन जो हमें श्रवण करने को मिलते हैं, वाक्य ही बहुत मूल्यवान वचन होते हैं। इनको लाल रतन यानी कि बहुत ही इनको महत्ता दी गई है, और सत्संग का यही प्रताप होता है। जब सत्संग में आते हैं तो हमें ऐसे ही सारगर्दिक शब्द सुनने को मिलते हैं, जो वाकई हमारे जीवन को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक जीवन की जो सार है वो हमारे सामने रखते हैं, और जीवन की सार जो महापुरुषों संतों ने युगों युगों से बताया है कि वाकई ही सार कह लें, निचोड़ कह लें, कि निचोड़ यही निकाला है कि इस दुनिया में इस संसार तक ही सीमित रह के ये जीवन का सफर तय होता है, लेकिन निचोड़ यही निकाला कि वाकई ही जो ये निराकार पारब्रह्म परमात्मा है, इससे नाता जोड़कर ही हमें ठहराव मिल सकता है, इसी के साथ नाता जोड़ के ही आनंदित हम रह सकते हैं, इसी को ही हमने जीवन में विशेषता और प्राथमिकता देनी है, और इसी के द्वारा ही कल्याण होता है। आत्मा का भी कल्याण उद्धार इसी के कारण है, इसी का बोध हासिल करने के कारण है, और जीवन में भी सहजता इसी के कारण है, क्योंकि सहज भी यही है, मोक्ष और मुक्ति भी इसी से है, आनंद इसी से ही है, प्रेम का स्रोत यही है, यानी कि आधार और केंद्र भक्तों ने इसी को माना है, और इसी तरह से ये फैसले दिए हैं कि वाकई ही जीवन का सार तो यही है। जो अभी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन हम सुन रहे हैं कि ये संसार बना है बिगड़ता है, ये अस्तित्व में आता है मिटता है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ना ये संसार रहता है, ना संसार में जो जन्म लेते हैं अस्तित्व में आते हैं वो भी शाश्वत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर शहंशाह बाबा तार सिंह जी भी यही बता रहे हैं कि इंसान अक्सर यही भ्रम कर लेता है
कि जो क्षण भंगुर है उसको शाश्वत वाला दर्जा दे देता है। वो ये मान लेता है कि ये सच्चाई है, ये कायम रहने है, और जो शाश्वत है, जो सत्य है, उसको मिथ्या मान लेता है। जैसे अभी भी आप श्रवण कर रहे थे कि अनेकों लोग हैं, चाहे वो जापान जैसे मुल्क में हैं या किसी और मुल्क में हैं, कितने ही नॉन बिलीवर्स हैं, कितने ही एथिस्ट हैं, कितने नास्तिक हैं, जो इस प्रभु परमात्मा के अस्तित्व में यकीन ही नहीं रखते हैं। यानी कि वही बात महापुरुष कहते हैं कि जो सत्य है उसको मिथ्या मान लेते हैं, यानी कि ऐसे लोग इसको मिथ्या मान लेते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, नथिंग नथिंग लाइक इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिसको शाश्वत मानते हैं, जिसको हकीकत मानते हैं, तो वो वास्तविकता में महापुरुषों ने कहा कि ये तो ढलती परछाइयाँ हैं, ये तो एक स्वप्न के मानिंद माना है कि वाकई ये सपने के समान है। जैसे सपने में भी एक भ्रम वाला ही समय बीत रहा होता है, जो हकीकत नहीं है वो हम सपने में देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, वो सच्चाई होती नहीं है, लेकिन उस वक़्त तो हम उसी को ही सत्य मानकर चल रहे होते हैं। इसीलिए उस सपने को देखते देखते भी हम पीड़ा भी महसूस कर रहे होते हैं, हंस भी रहे होते हैं। एक राजा को सपना आ रहा है, वो पीड़ा महसूस कर रहा है क्योंकि सपने में वो ये देख रहा है कि वो चल रहा है, पाँव में जूती भी नहीं है और कांटे उनके ऊपर चल रहा है और पूरी पूरी पीड़ा महसूस कर रहा है, लेकिन वो हकीकत और सच्चाई तो नहीं थी। वो तो एक राजा नंगे पांव, तो क्या कितने कितने जोड़े जूते के भरे पड़े हैं, कोई सा भी पहन ले, लेकिन सपने में वो हकीकत नज़र आ रही है, इसलिए उसका असर भी पूरा पूरा ले रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी भी वही कह रहे हैं, जो युगों युगों से महापुरुषों, संतों ने, बलियों, गुरु पीर पैगंबरों ने संसार के सामने जो पहलू रखा कि वाकई ही ये संसार जो है ये कायम दायम रहने वाला नहीं है, ये आने जाने वाला है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, हमेशा रहता है ये प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार, और यही है जो सारे संसार का आधार है। इसलिए कहते हैं कि इसको विशेषता जो देता है, इस एहसास के साथ जो जीवन के सफ़र को तय करता है कि बाकी सब कुछ मिट जाना है, कि बाकी सब कुछ मिट जाता है, ये हमेशा रहता नहीं है। अगर लहर और सागर की बात जैसे पीछे ही दास ने जिक्र किया, अगर हम दोनों की तुलना करें तो लहर और सागर, लहर हालांकि उठी सागर से ही है, लेकिन लहर कितनी देर के लिए, लहर उठी है अभी ठीक से देख ही नहीं पाते। अगर कोई जाते भी हम समुद्र के किनारे और हमारे साथ हमारा परिवार वाला है या मित्र है और हमारी पीठ सागर की तरफ है और दूसरी तरफ देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, और वो हमें एकदम से कहता है देख कितनी ऊंची लहर, और बाय द टाइम हम अपना मुख मोड़ते हैं वो देखने के लिए, उस वक्त तक वो अलोप ही हो चुकी होती है, बस इतनी सी ही उम्र उस लहर की, अभी उठी है और मिट भी गई है। लेकिन सागर की तरफ इशारा करें, वो तो क्षण भंगुर नहीं है, वो तो अपनी जगह कायम है, वो लहर की तरह बना और मिटा नहीं है, वो उसी तरह से उसका वजूद कायम है। तो यहाँ पर भी
बाबा अवतार सिंह जी यही कह रहे हैं कि माया जेड़ी रंग बिरंगी तेरा जी पर चाहती है, पक्की गल समझ लै मेरी ये आँदी ते जाती है। यानी कि ये सब आने जाने वाला है, ये सारे संसार का वजूद और बनावट भी जो बताई गई है, कितने जिक्र आते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पर डायनासोर्स थे या कोई और स्पीसीज थे, और फिर वो समय भी आ गया जब एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई, वो हमें उनका वजूद नज़र नहीं आता है। इसी तरह से कई ऐसे स्थान बताए जाते हैं जहाँ पर पहाड़ हैं, चट्टाने हैं ऊंची ऊंची, और उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ कभी समुद्र होता था। अभी तो ये ऊंचा पहाड़ नज़र आ रहा है, लेकिन ये सब दिस वॉज ऑल सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, के पानी के अंदर ही ये थे सब, और अभी हमें ऊंचे हो के नज़र आ रहे हैं। यानी कि कहाँ पर एक सरीका हर चीज़ रहती है, हर चीज़ में ही अंतर होता चला जा रहा है। तो इसलिए महापुरुष संत जन कहते हैं कि जो दिसे सो सगल विनाशे, कि जो दिखाई देता है वो रहता नहीं है। तो इसलिए जो रहता है, जिसको कहते हैं कि आशिक सिर्फ बका दे ओ, बका जो रह जाता है, यानी कि बका यही रह जाता है, ये परमात्मा ही रहता है, यही है जो जो कायम दायम रहता है, इसी के आशिक होते हैं। इसलिए दुनिया में उस कदर ग्रस नहीं होते हैं, और इसीलिए सुचेत करते हैं कि परछाइयों का ही पीछा करने वाले जैसे वो मृग होता है, वो भागता है, भागता है और सोचता है कि ये जल है और जल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दरअसल वो जल होता नहीं है, वो एक मिराज होता है। वो इस प्रकार से उसको महसूस हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई पानी नहीं होता है, जल नहीं होता है, और जब तक उस जगह पर पहुँचता है वो पानी कहीं और आगे नज़र होना शुरू हो जाता है, और चार कदम धरता है वो पानी और आगे नज़र होना शुरू हो जाता है। यानी कि वो एक हकीकत नहीं होती है, वो सच्चाई नहीं होती है। तो इस तरह से वो भ्रम में ही भागता रहता है। इसी तरह से महापुरुष संत जन भी कहते हैं कि संसार से अगर तू वो आस रख के बैठा हुआ है, जितना बढ़ता है वो और दूर हाथों से निकलता जाता है। जहाँ पर तू ये मानकर बैठता है कि यही साधन है जिससे मुझे सुख मिलने वाला है, लेकिन वो भी साधन शाश्वत नहीं है, वो भी कमती बढ़ती होता है, वो भी एक सरीका रहता नहीं है। तो जो एक रहता है, कायम दायम रहता है, इसी सच्चे साधन को अपनाने की बात कर रहे हैं। जो आज भी महापुरुषों ने कहा कि जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले, कि संसार सदा रहने वाला नहीं है, हमारे मित्र दोस्त सदा रहने वाले नहीं हैं, हमारा परिवार रिश्तेदारी हमेशा रहने वाले नहीं हैं, हमारी ताकत हमारी हुकूमत सदैव रहने वाली नहीं है। जिनको इंसान मान कर चलता है कि ये हुकूमत है तो बस पूरा ही आनंद और सुख है, लेकिन वो हुकूमत ही नहीं रहती तो सुख उसके साथ ही चला गया, आनंद उसके साथ ही चला गया। ये मित्र है, ये दोस्त है, ये रिश्तेदार है, वो भी किस तरह से आंखें फेर लेते हैं, किस तरह से गर्ज के ऊपर आधारित वो रिश्ते बने हुए हैं, वो गर्ज या हालात इस माया के तीन नाम परसु परसा परस राम, वो सब उसी तरह से ही अपना असर रखते हैं, एक जैसा नहीं है।
यानी कि हर चीज़ जो है दुनिया की, उसमें यही सिलसिले हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने पहले भी यही कहा है कि जगत की झुकटी देखी प्रीत, अपने ही सुख को सब लागत क्या दारा क्या मीत। कि वाकई वही गरज कि अपने ही सुख को सब, बस मुझे वो मिल जाना चाहिए और चाहे मेरा सका भाई क्यों ना हो, बहनी क्यों ना हो, पिता ही क्यों ना हो, माता ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे मिल जाना चाहिए। इनको ना मिले कोई बात नहीं, वही बात कि अपने ही सुख को सब लागत क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। तो इस प्रकार से ये संसार में महापुरुषों ने जो बार बार इंसान को ध्यान दिलाने के प्रयास किए हैं, वही बात जो बाबा अवतार सिंह जी साधारण शब्दों का इस्तेमाल करके जो कह रहे हैं, जो माया रंग बिरंगी तेरा जी पर चांदी है, वही मृग की तरह कि मृग भी भागता है, उसको भी कुछ वो ललचा रहा है, वो भरमा रहा है, तेरा जी पर चांदी है, पक्की गल समझ ले मेरी ए आंदी ते जांदी है। यानी कि वो सच्चाई वो हकीकत नहीं है, वो सच्चा आधार नहीं है, वो शाश्वत वाला साधन नहीं है। तो इसलिए जो हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है, इसी का ही एक सहारा लेना, इसी के साथ मन का नाता जोड़ना, इसी को ही जहन दिलो दिमाग में बसा के रखना, यही महापुरुषों ने कहा कि यही एक हमारी सच्ची अवेयरनेस है, एक सच्ची जागृति यही है। अगर हमने ये बात समझ ली, अगर ये हमने जान लिया, तो फिर वास्तविकता में हम उस भ्रम से ऊपर उठ जाते हैं और हम आनंद के पात्र बन जाते हैं। हम आनंद और सच्चे सुकून की महसूसियत करने लग पड़ते हैं और जान जाते हैं कि वाकई ही ये सब ढलती ही परछाइयां हैं। सुख दुनिया दे परछावें ने जेकर प्रीता पाएगा, तो वाकई ये ढलती हुई परछाइयां हैं। बादल की परछाई कितनी देर वो हमें छाया देते हैं और उसका पीछा करते भागते चले जाएं, हवा आती है बादल आगे भागते हैं, हम और भागते हैं, वो और अदर भागता है और पीछे भागते हैं, और फिर वो भी बादल भी बिखर जाते हैं, छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ जाते हैं वो बादल, जो इतना बड़ा आकार वाला बादल नज़र आ रहा था और इतने बड़े आकार में वो छाया दे रहा था, अब वो भी अपने आप में टुकड़ों में वो बट गया वो बादल, अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में, अब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, अब एक और अश्वंजस की स्थिति आ गई है कि अब इन टुकड़ों में भी किस टुकड़े के पीछे भागे। तो इस प्रकार से वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि वाकई ये परछाइयाँ, ये वास्तविकता में इसी का ही इंसान सहारा लेता है, इसी का ही पीछा करता रहता है। टाल के परछावें जिस दम रोएगा कुरलाएगा, तो वाकई ही ये सब कुछ, हमारी जवानी, हमारी खूबसूरती, हमारी अमीरी, ये सब ताकतें, ये तन मन धन की, ये जो कुछ भी है, जैसे दास ने कहा कि कोई उसी का गर्व करता है, उसी को ही सब कुछ मान लेता है, अपनी असली पहचान भी उसी के आधार पे ऊपर बनाता है। मैं हुकूमत वाला हूँ, मैं हाकम हूँ, तो कहते हैं कि उसी को इतनी विशेषता दी तूने, लेकिन वो भी हुकूमत भी कहाँ हमेशा रही। तो कहते हैं आज तख्त है, कल को तख्ता हिस्से में आ जाता है, कि
कि एक तख्त तख्त व ताज आज तख्त है और कल तख्ता हिस्से में आ जाता है। तो वही बात महापुरुष समझाने के प्रयास करते हैं कि वाकई ही ये दुनिया के सिलसिले ऐसे ही हैं, लेकिन एक और भी हैं जिनको साम्राज्य मिला है, जो हमेशा के लिए उनको राज मिल गया। आज भी हम ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं दुनिया भर में, जहाँ हज़रत ईसा मसीह जी को जो सूली पे लटकाया गया, जो गुड फ्राइडे हमने दो दिन पहले मनाया, वही गुड फ्राइडे जब उनको किले गाड़े गए, और ईस्टर कहते हैं कि रेसरेक्शन हुई, कि वो हज़रत ईसा मसीह जी का इस प्रकार से फिर से सामने आना, और उसको ईस्टर का त्यौहार के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। यानी कि उसी को देखें कि सूली पे लटकाने वाला राजा जिसने हुक्म दिया, उसका तो नाम और निशान मिट गया, लेकिन जो साम्राज्य हज़रत ईसा मसीह जी के हिस्से में आया कि सूली पे लटक जाने के बावजूद उनका राज्य आज तक कायम है। यानी कि वो ढलती हुई परछाइयों वाला सिलसिला नहीं है, वो खूबसूरतियाँ भी ढल जाती हैं, हुकूमतें भी ढल जाती हैं, शरीर की ताकतें भी ढल जाती हैं, ये सब कुछ ढल जाता है। तो महापुरुष कहते हैं कि वाकई ही इसी से ही हम अंदाज़ा लगाएं। एक और इसी का बयान किसी शायर ने दिया कि एक बड़े साम्राज्य वाले बड़े राजा महाराजा भी कि अपने जो उनका आसन होता है, सिंहासन होता है, क्यों अपने सिंहासन पर भी मुरझा जाते हैं, और किस प्रकार से जो ऐसे हैं जो सलीबों और सूली पे भी एक खिल उठते हैं। यानी कि महापुरुष संत जन किस प्रकार से अनेकों ढंगों से यही एक बात समझाने के प्रयास करते हैं, जो यहाँ पर शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी भी ये सब के जहन दिलो दिमाग में बसाने का ही जो प्रयास कर रहे हैं। जो कुछ अखी नजरी आउंदा आवण जावण वाला है, वही बात जो पहले कही कि जो दिसे सो सगल विनाशे, के वाकई जो दिखाई दे रहा है, जिन आँखों से देख रहे हैं ये आँखें ही नहीं रहती हैं, तो जो दृश्य हैं वो कहाँ हमेशा रहेंगे। यानी कि ना दृश्य रहते हैं, ना जिन आँखों के द्वारा दृश्य देखते हैं वो आँखें भी नहीं रहते हैं, वो आँखें भी नहीं रहते हैं। जिन आँखों के ऊपर भी मान अभिमान करता है, कहते हैं ये आँखें भी नहीं रहते हैं। तो इस तरह से कभी जो फरीद जी जैसे महापुरुषों ने, सूफी संतों ने भी जो कहा है कि वाकई ही ये आँखें भी जिन लोयण जग मोया, से लोयण में डिठ कज्जल रेख ना सहंदिया, से पंखी सुए बहेट, कि जिन ऐसी कोमल आँखें जिन जो काजल की रेखा भी नहीं सहन कर सकती, इतनी कोमल सी आँखें, तो वही कहते हैं कि जिन लोयण जग मोहया, इन आँखों ने कितनों को मतवाला किया, कितनों को मोह लिया, ऐसी आँखें जिन लोयण जग मोहया, मोह लिया जग को, से लोयण में डिठ, कि उन आँखों को मैंने देखा है जो कज्जल रेख ना सहन दिया, जो काजल की रेखा तक नहीं सहन सकती कर सकते, से पंखी सुए बहेट, कि वहाँ तो कह रहे हैं कि अब वो शरीर मौन पड़ा हुआ है, एक लाश सी पड़ी हुई है, और वही आँखों के ऊपर परिंदा, और वहाँ पर ही परिंदा अपने बच्चे अंडे दे रहा है। तो कहने का भाव क्या है,
यानी कि बाकी सब कुछ जर्जर सा हो जाता है, जो आज हमें बहुत विशेष करके महसूस हो रहा होता है उसको कितनी हम विशेषता प्राथमिकताएं देते हैं, और इतनी प्राथमिकताएं देते हैं कि इस मालिक खाली को ही विसार देते हैं, इसी को भुला देते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले भी महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि दातार और एक दाते, एक जो दातार है और एक जो दाते देता है। जैसे वो शायर ने भी कहा है कि ख्याले रिजक है राजक का कुछ ख्याल नहीं, कि रिजक का ख्याल है राजक का ख्याल नहीं है। इसी तरह से महापुरुष अक्सर यही ध्यान दिलाते हैं कि जो दाता है इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, दातों में ही इतने उलझ जाते हैं। जो आज भी महापुरुषों ने जिक्र किया, और बहुत बरस पहले बाबा गुरबचन सिंह जी की हाजिरी में ही महापुरुष संगत में ही सुना रहे थे, कह रहे थे कि बड़ा टीवी टेलीविज़न चले यहाँ पर, हालांकि इतने प्रोग्राम नहीं भी आते थे, और टेलीविज़न जो बाज़ार में आए लोगों ने लेने शुरू किए, तो वो महापुरुष कहने लगा कि मेरे बच्चे मेरी जान खा गए कि टीवी लेके आओ टीवी लेके आओ, वो नहीं लाए, बाकियों के घरों में आ गया है हमारे घर नहीं आया है। तो कहते वो टीवी आ गया, अब टीवी आ गया जिस साध संगत से अरदास की प्रार्थना की और कृपा हुई, टीवी आ गया, अब टीवी ने इतना उलझा दिया कि हम उस संगत तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम वहीं पर ही चिपके रहते हैं। यानी कि जहां कह भी रहा है कि साध संगत की कृपा हुई है, और जहां से कृपा हुई है वहां तक भी पहुंचना दुश्वार हो गया है, क्योंकि जो मिला है वही इतना प्रभावशाली हो गया कि उसी में ही गलतान हो गए। तो इस तरह से साधारण साधारण मिसालें देकर महापुरुष संत जन यही कुछ समझाने के प्रयास करते हैं। अकलों अन्ना मूर्ख बंदा जो इस दामत वाला है, तो वाकई ही उसी को ही अंधापन कहा गया है, जो दास ने पहले बात कही कि जो झूठ को सच करके मान रहा है और सत्य को मिथ्या मानकर चल रहा है, वही एक प्रकार का अंधापन ही है, कि वो अंधापन ही है, क्योंकि हकीकत और सच्चाई नहीं देख रहा है, वो एक अज्ञानता और भ्रम के ऊपर आधारित ही उसकी दृष्टि बनी हुई है। तो इसलिए उसको मूर्ख भी कह देते हैं, उसको अंधा भी कह देते हैं। तो इस तरह से ये संसार की हालत का बयान किया जा रहा है कि ऐसी मूर्खता, ऐसा अंधापन ये लगातार संसार में देखने को मिलता है। हालांकि ये आंखें हैं, दृष्टि, ये वाली आंखें जो चेहरे पे लगी हुई हैं ये आंखें हैं, लेकिन आंखें होने के बावजूद अंधापन है, क्योंकि जो असल में आंखें हैं वो नहीं है। और उधर सूरदास के पास ये आंखें नहीं हैं, ये हरा पीला लाल सुंदरता, ये पहाड़ कुदरत कायनात, ये नज़ारे सुंदर नहीं देख पा रहे हैं, वो आंखें नहीं हैं सूरदास के पास, लेकिन जो आंखें हैं वो सच्चाई देख रही हैं, वो हकीकत देख रही हैं। तो अब साध संगत, अंधापन क्या है, असली नज़र क्या है, मृतक कौन है और जीवित कौन है, ये सब महापुरुषों ने परिभाषाएं बताई हैं, और यहाँ पर भी उसी परिभाषा के अनुसार ही बताया जा रहा है कि वाकई ही अंधापन यही है जो इंसान की अवस्था है, इंसान किस दृष्टि से देखता है, इंसान की प्राथमिकताएं क्या है, इंसान किस चीज़ को विशेषता देता है, तो वही पर ही ये साबित होता है कि आँखों वाला है ये या फिर अभी भी अंधकार ही छाया हुआ है। तो इस तरह से ये महापुरुष संत जन यही इंसानों को युगो युगों से संदेश और पैगाम ये देते आ रहे हैं कि वाकई ही जो सहजता हमारे जीवन में आनी है
वो इसी शाश्वत के कारण आनी है, इसी का आधार लेने से ही होना है यह संभव, तभी यह सबर और संतोष भी हमारे जीवन में आना है, क्योंकि इसी को ही हम विशेषता देते हैं। चलदे नाल प्रीता ला के आखिर रोना पैंदा है। तो अब साध संगत, ये एक चलायमान है संसार, तो वही बात को अलग अलग ढंगों से यहाँ पर अलग अलग मिसालें देकर, अलग अलग शब्दों का चयन करके जो निचोड़ है वो यही है, जो किसी शब्द को किसी रूप में बयान किया जाए लेकिन भाव केवल इतना ही है कि इस तरह से हमारी एक अवस्था बनती चली जाए जो वास्तविकता में हमें ठहराव देती है, चलते फिरते भी ठहराव देती है, दुनिया में विचरण करते हुए परिवार समाज की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी ठहराव देती है। और इसी तरह से ही ठहराव मिला कबीर जी को, रविदास जी को, तुकाराम जी को, कितने कितने महापुरुष जिनके भक्तों के हम नाम लेते हैं, जीवन उनका भी चलायमान था, यानी कि जिम्मेदारियां वो भी निभा रहे थे, वो पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियां निभ रही थी, लेकिन उस चलने के बावजूद फिर भी ठहराव था। तो इस तरह से ये ठहराव जीवन में आता है इसी ठहरे हुए के कारण कि तमाम हमारे कर्म भी हो रहे हैं, जिम्मेदारियां भी निभ रही हैं, मेहनत मुशक्कत भी हो रही है, जीवन में उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ठहराव मिला हुआ है। तो इस तरह का ठहराव जीवन में तभी आता है जो ठहरा हुआ है उसी का आधार ले लेते हैं, जब उसी को ही हम विशेषता देते हैं कदम कदम के ऊपर, तो हमारी जीवन में ठहराव आता है, हमारे मन को वही ठहराव मिलता है और हमारे जीवन में वो सहजता आती है और वही सहज चाल भक्त चलता चले जाता है। हथ पल्ले नहीं पैंदा कुछ भी, सब कुछ खोना पैंदा है। तो वही बात कि रेत जैसे होती है मुट्ठी में बांधी हुई और कैसे वो रेत सरक जाती है मुट्ठी में से, इसी प्रकार से एक एक सांस हमारा हाथों से निकलता जाता है, इस तरह से हर चीज़। और वही बात जो माटी कोड़ा माटी जोड़ा माटी के असवार, हज खेड़ फिर माटी होई पेंदी पाँव पसार के वाकई ही सब मट्टी ही है और मट्टी विच मिल जाना, खाकी खाक स्यों रल जाना तू कदे ताहों से आना, कि खाक की पुतला जो है वो खाक में मिल जाता है, खाकी खाक स्यों रल जाना तू कदे ताहों से आना, कि ये सूझबूझ कब तुझे आएगी, ये समझ तुझे कब आएगी, ये हकीकत तब तू समझेगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी यही समझाने का प्रयास कि खाकी खाक स्यों रल जाना तू कदे ताहों से आना, हस खेड़ फिर माटी होई और पैंदी पाँव पसार, माटी कोड़ा माटी जोड़ा माटी के असवार, कि सब कुछ ही मट्टी तो बताया है, एक खाक ही बताया है। तो इसलिए ये हकीकत अगर ध्यान में रहती है, ये सच्चाई का एहसास अगर रहता है, तो ना अहम के शिकार होते हैं और ना इसमें गलतान होते हैं, ना इन सभी चीज़ों में खचित होते हैं, वो न्यारापन बना रहता है, वो जल में कमल के फूल मानिंद वो अवस्था रहती है कि जल में रहकर जल से न्यारा, कि साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रहे, कि कमल के मानिंद वो जल में रहकर भी जल से न्यारा है। तो यही न्यारापन ये महापुरुष संत जन ही संसार में दर्शाते हैं कि किस प्रकार से वो इससे न्यारे रहते हैं।
ये प्राप्त होना, कुछ खो जाना, यश मिल जाना या अपयश प्राप्त हो जाना, तो उस सभी चीज़ों में से गुज़रते हुए वो अपनी अवस्था को सहज जो बनाए रहते हैं, वाकई उनकी कितनी महानता होती है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पहने ही जाके कंचन माटी माने, कि ना एक निंदा का असर ना यश का असर, जे लोग सलाहें ता तेरी उपमा, जे निंदेता छोड़ ना जाए, कि इस प्रकार से श्लाघा होती है तो आपे से बाहर नहीं हो जाता है, अभिमान में नहीं आ जाता है, अहंकार में नहीं आ जाता है, इतना फूल नहीं जाता है कि दूसरों को नीची दृष्टि से देखने लग पड़े। जे लोग सलाहें, अगर श्लाघा हो रही है उसका भी असर नहीं ग्रहण करता है, क्योंकि वो श्लाघा ये जानता है कि प्रभु की ही है, कि मालिक की ही है, इसी की ही कृपा है, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो इसलिए श्लाघा है उसका भी असर नहीं करता है। यश हो रहा है, प्रेज हो रही है, तो उस प्रेज को प्राप्त करके भी किसी भ्रम में नहीं आ जाता है, उसमें कर्ता भाव नहीं आ जाता, अभिमानी नहीं बन जाता है। जे लोग सलाहें ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छोड़ ना जाए, अगर कोई निंदा करता है तो इतना मायूस भी नहीं हो जाता है और कहीं घर बैठ जाए कि मेरी तो निंदा हो रही है, वो बैठ नहीं जाता है, वो उसके अपने कदम वो चलते ही रहते हैं, क्योंकि दुख और सुख से भी ऊपर है, यश और अपयश से भी ऊपर है, इसलिए वो सहजता ऐसी उसको प्राप्त हो गई है कि वो जीवन जो है उसका वो इसी प्रकार से वो चलता चला जाता है। नाल संत दे प्रीत करे जो सुख ओ सारे पालेंद है। तो वाकई ही जो संतों का संग करता है और सुख इसलिए वो प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जो संतों ने ज्ञान दिया, जो संतों ने बोध कराया, जो संत कदम कदम पर हमें एक ऐसी प्रेरणा देते हैं, मजबूती देते हैं, एक विश्वास और अकीदे को परिपक्वता देते हैं, तो इसलिए वो संत ऐसे साधन बने जिसके कारण हमें वो सच्चा आनंद मिल गया, सच्चा सुख मिल गया। वो संतों के संग के कारण ही हुआ, क्योंकि संतों ने हमें वो बोध कराया, वो ज्ञान दिया, वो उजाला दिया, वो हमारी सोच ऐसी बनाई, इसलिए इस जीवन की चाल को कैसे चलना है, कैसे हमने इन सब में से गुजरना है, वो सब ढंग वो सलीका हमें बताया, और इसीलिए हम वो सुख की महसूसियत करते हैं, वो आनंद की महसूसियत करते हैं। संत अवतार करे जे कृपा अपने नाल मिला लेंदा है। तो इस प्रकार से अपने साथ मिला देता है, यानी कि इस मालिक से जोड़ लेता है, और क्योंकि जो मिला रहा है वो ब्रह्म ज्ञानी है, और ब्रह्म ज्ञानी जो है और उसमें और इस मालिक के में कोई भेद नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप नंकार, तो इस प्रकार से वो अपने साथ ही मिला लेता है, यानी कि निराकार के साथ मिला देता है, और निराकार के साथ ही जब मिल गए तो फिर वास्तविकता में अब जो सफ़र तय हो रहा है वो सफ़र तय होता है उस दृष्टि के द्वारा, जो झूठ को झूठ करके देख रही है, जो सत्य को सत्य करके देख रही है, जो मिथ्या को मिथ्या करके देख रही है, जो शाश्वत को शाश्वत करके देख रही है, तो इस तरह से वो दृष्टि मिल गई है और फिर हकीकत में ही हमारा वास हो गया है, अब सच्चाई में ही वास हो गया है, अब जीवन मुक्ति के ही हम भागीदार बन गए हैं, एक मोक्ष और मुक्ति ही हमारे हिस्से में आ गई है, जो आत्मा मोक्ष और मुक्ति की पात्र बन गई है, पर लोक सुहेला इसी के कारण हो गया है, और लोक की यात्रा भी एक
सहज हो गई है, क्योंकि जिन ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिला, उन्होंने जो हमें सोझी दी, उन्होंने जो ज्ञान उजाला दिया, उसी ज्ञान उजाले के अंतर्गत ही हम जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं। तो फिर वास्तविकता में एक हमारे जो हमारी अवस्था है वो ऊंची अवस्था हो जाती है। फिर जीवन में हम उसी सहज चाल को चलते चले जाते हैं, ये कदम फिर डगमगाते नहीं हैं, फिर हम एक्सट्रीम्स में जाते नहीं हैं। एक आज भी गौतम बुद्धा जी का जिक्र हुआ और उनकी भी शिक्षाएं जो हैं जब वो बताई जाती हैं तो उसमें मिडल पाथ का जिक्र आता है। मिडल पाथ का मतलब ही यही है कि एक्सट्रीम्स नहीं, कि एक्सट्रीम्स नहीं है वहाँ पर, वो सहज जिसको हम कह रहे हैं, सहज चाल कह रहे हैं, सहजता जिसको हम कह रहे हैं, वो वही मध्य मार्ग है, वही जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और पहने जाके कंचन माटी माने, यानी कि वो सहज चाल है, मिडल पाथ, एक्सट्रीम्स नहीं है कि यश हुआ तो वापे से बाहर हो गया और अगर विपरीत कुछ हिस्से में आ गया तो बिल्कुल ही नीचे चला गया, बिल्कुल ही बैठ गया, कदम ही रुक गए। और पहले इतना नशे में चूर और दूसरों के पाँव ही के ऊपर पाँव रख कर उनको ही कुचल कर आगे भागता चला जा रहा है, यानी कि दोनों ही एक्सट्रीम्स से ऊपर मिडल पाथ, यही महापुरुषों ने कहा कि घर ही में भोग, घर जोग घर ही में, कि इस प्रकार से ये ऐसा सलीका जीवन जीने का ये भक्तों महापुरुषों को ही प्राप्त हुआ है, ये ढंग उन्हीं को आया है और वही संसार को वो ढंग प्रदान करने के लिए ही अपने योगदान देते आए हैं। संत अवतार करे जे कृपा अपने नाल मिला लेंदा है। तो इस प्रकार से ये ऐसी अवस्था प्रदान कर देता है संत कि अपना ही रूप दे देता है। संत संग कबीरा बिगड़्यो, सो कबीर रामे होए निबर्यो, कि इस प्रकार से संत संग कबीरा बिगड़्यो, कि संतों का संग हुआ, ऐसा प्रताप हुआ कि रामे होए निबर्यो, कि ऐसा ऊंचा दर्जा हमें मिल गया, ऐसी ऊंची अवस्था मिल गई कि प्रभु का रूप ही बना दिया हमें। तो आओ साथ संगत, क्योंकि प्रभु खुद बजाते खुद आप ही इन सब से न्यारा है। इन और चीज़ा दृष्ट मान ने जिसनु कहंदे माया है, दसवां ब्रह्म इना तो वखरा इना विच समाया है, कि वाकई ही वो न्यारापन जो है वो मालिक का ही है। तो इसलिए इसी मालिक का जब ये न्यारापन है और इसी से जब नाता जुड़ गया तो फिर उसका भी न्यारा मन प्राप्त हो जाता है। तो आओ साथ संगत, यही अरदास यही प्रार्थना कि दातार कृपा करें, सबको ऐसी तौफीक दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दें, ताकि सभी इस सच्चाई का एहसास करते हुए इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं, जीवन का आनंद लेते चले जाएं और ऐसी सहज चाल ये जीवन की ये बनती चली जाए। यही एक अरदास, यही प्रार्थना, यही शुभकामना है साध संगत जी। धन्यवाद।